गाजीपुर से किरण नाई वरिष्ठ पत्रकार की रिपोर्ट। जिले के नोडल अधिकारी ने विभिन्न घाटों का किया निरीक्षण। गाजीपुर जनपद के नोडल अधिकारी सचिव भू प्रशासन समीर वर्मा ने आज जनपद के विभिन्न घाटों व टेस्टी स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी एमपी सिंह एवं पुलिस अधीक्षक दाशून्य ओम प्रकाश सिंह उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान नोडल अधिकारी ने बकुंठ धाम शमशान घाट गाजीपुर पहुंचकर वहां का जायजा लिया तथा उपस्थित लोगों से अंत्येष्टि स्थलों पर हो रही समस्याओं, निगरानी समिति से एवं स्वयं सहायता समूह से प्रतिदिन आने वाले शव की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि अंत्येष्टि स्थलों पर लकड़ियों का रेट निर्धारित है, कोई उससे अधिक मूल्य पर लकड़ी न बेचे। इसके अलावा स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा भी निःशुल्क लकड़ियां उपलब्ध कराई जा रही है। गरीब व असहाय व्यक्तियों को शासन द्वारा शव के अंत्येष्टि हेतु ₹5,000 की धनराशि उपलब्ध कराई जा रही, जिस हेतु अंत्येष्टि स्थलों पर टीम लगाई गई है। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि गंगा नदी में किसी के द्वारा शवों को जल प्रवाहित नहीं किया जाए, इस पर विशेष निगरानी रखी जाए। लोगों को अधिक से अधिक वैक्सीनेशन हेतु प्रेरित करते हुए वैक्सीनेशन कराया जाए तथा मास्क का प्रयोग व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा। तत्पश्चात नोडल अधिकारी ने पोस्ता घाट से ही जल मार्ग द्वारा तहसील जमानिया में प्रवेश कर प्रत्येक घाटों का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया, जिसमें बलुआ घाट से होते हुए रामपुर पट्टी सरनाम खानपुर गांव का निरीक्षण किया।